ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑटो का जब आप खोलें तो एक ही चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले देख लें कि आपकी सेटिंग सारी सही है या नहीं। सेटिंग के लिए एक चीज़ मायने रखती है, यूनिट्स। सबसे पहले यूनिट्स देखें, अपनी कमांड्स नीचे देखें कि सही चल रही नहीं। ये सारे रिव्यू मतलब टूल्स, एडिटिंग के टूल्स या कमांड्स जो टाइप किए हुए हैं ये टूल्स, ये सारे सही हैं कि नहीं, डायरेक्शन ये सही है कि नहीं, सब कुछ आप देख लें। इसके बाद यूनिट चेक करने के लिए मैं बता देता हूँ सबसे पहले क्या करना है आपको। यू एन लिखना है अपने कीबोर्ड से, यू एन डायरेक्ट। यू एन जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ डायरेक्ट यूनिट्स सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पर दिख रही है, कमांड्स पे आप उस पर क्लिक कर देंगे। इंटर करने पर सब कुछ देख लीजिए कि क्या कैसे सेटिंग है। अगर आप सेटिंग गड़बड़ है तो उसको सही कर लें सबसे पहले। तो सबसे पहले देखते हैं लेंथ टाइप डेसिमल, फिर प्रिसीजन 0.000 मतलब एक्यूरेसी इसकी 0.4 अंक रख देना है। इस प्रिसीजन का मतलब यहाँ पर यही है, डेसिमल में हम काम करेंगे। इसके बाद एंगल टाइप जो है वो डेसिमल डिग्री में रहेगा और प्रिसीजन 0 यहाँ पर दिया गया। एंगल में जो है वो पॉइंट के एक अंक तक इसे एक्यूरेसी दी जाती है। इसके बाद आता है यहाँ पे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में अगर आप क्लिक कर देते हो और कोई भी एंगल तैयार करते हो तो आपका एंगल वो क्लॉकवाइज बनेगा। अगर ये मार्क हटा देते हो और कोई भी एंगल पर कोई भी आर्क या कुछ भी सर्कल वर्कल बनाते हो तो आपका एंटी क्लॉकवाइज अर्थात डी के तरफ से, ये जैसे डी होता है उस तरह से आपका एंगल बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंसर्टेन स्केल ये इंचेस में चलता है ज़्यादा। सबसे ज़्यादा आप ये आप इसे डिफ़ॉल्ट में इंचेस में चलाएंगे, फिर इसके आप अपने मन से चला सकते हैं, जैसे आप सेट करेंगे उस हिसाब से चलेगा। आप इंचेस में चलाते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे पॉइंट बनाना। पॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले पॉइंट, फिर लाइन, फिर आर्क, ट्रिम, ये सारे कमांड धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के लास्ट तक, जैसे पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू चलते जाएंगे। सबसे पहले हम इस ड्राइंग में सीखेंगे पॉइंट लगाना। इस वीडियो में यही सीखेंगे पॉइंट मारना। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे PO पॉइंट। सबसे पहले यहाँ पे आ गया पॉइंट, ये हो गया आपका पॉइंट पे क्लिक कर दिया आपने। इसके बाद आपको कहीं भी पॉइंट लगाना है, जहाँ पे कहीं भी लगाना है वहाँ पे एक सिंगल क्लिक माउस से करेंगे। क्लिक करने के बाद वो लग गया था, ठीक। और आपको उसको अगर देखना है तो साइड में जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्शन में टॉप लिखा हुआ है। टॉप का मतलब होता है कि आपकी कोई भी चीज़ कहीं पे बनी हुई है, अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे तो सेंटर पे आके और एक बीचों बीच आपको वो चित्र दिखाई देगा। कहीं भी चित्र हो, आप कहीं भी गुम हो गए हो, टैब पे क्लिक कर दीजिए, वो आपका चित्र इंटरफेस के सामने अपने कंप्यूटर के आपके सामने सही सही सेंटर में दिखाएगा। चलिए हम क्लिक कर देते हैं, और मेरा बिंदु भी मैंने लगाया, कहाँ गया ये सेंटर में आके यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा बिंदु यहाँ पे लगा हुआ, ठीक। चलिए इसको पहले हम डिलीट करेंगे।